हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल हो चुका है और मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ रहा हूं। उसमें आपका जनरल ST SC EWS और OBC का बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ बताने जाऊँगा। इस लगभग लगभग अप्रोप्रिएट बताऊँगा, पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा, पर लगभग लगभग जो भी डाटा एनालाइज किया है उसके अनुसार, प्लस मैंने जो एग्ज़ाम के टाइम में लाइव रिव्यू लिया था और फिजिकल के टाइम में जितने भी मेरे मित्रगण जो सेंटर के बाहर से फिजिकल सेंटर के बाहर से लाइव ले रहे थे, हर सेंटर के बाहर से, उनका वीडियो देखा है और किस नंबर से, और कल मैं लाइव आया था तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों से कमेंट करने के लिए बोला था। उस कमेंट को पढ़ के मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो देख लेते हैं पूरा डाटा ने से MP पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2022। अब टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है आपकी 6000, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर कितनी पोस्ट है, 6000 आपकी पोस्ट है। अब इस 6000 पोस्ट पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था, कितने कैंडिडेट को, इसके 5 × 6 = 30,000, लगभग लगभग 30,000 कैंडिडेट को बुलाया गया बॉयज प्लस गर्ल्स को फिजिकल के लिए। अब इसमें से पर डे 200 बच्चों का फिजिकल हो रहा था, कितने पर डे 200 बच्चों का फिजिकल, उसमें से 60 से 70% बस बच्चे उपस्थित थे और 30 से 40% बच्चे अब्सेंट थे, ठीक है, अनुपस्थित थे। अब उसमें से मतलब मान के चलो 30,000 में से कितने बच्चों ने कैंडिडेट ने फिजिकल दिया है, इन 30 से 40% कैंडिडेट को निकालकर मान के चलो 25,000 से लगभग है ना, 25,000 से 27,000 स्टूडेंट ने फिजिकल दिया है। इतने के आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं, कितने 25 से 27,000 के लगभग स्टूडेंट ने फिजिकल दिया है और बाकी अब्सेंट थे बच्चे कैंडिडेट। अब उसमें से पास किए गए हैं, उसमें से पास हुए हैं और ये 60 से 70 पर डे पास होने वाले बंदे थे, कितने थे पर डे पास होने वाले स्टूडेंट्स, और 25 से 27,000 के बीच में आपका फिजिकल दिया है बच्चों ने। अब उसमें से भी अब इसमें फिजिकल पास करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल पूर्ण रूप से पास किया है रनिंग शॉर्ट पुट और आपका लॉन्ग जंप, तीनों पास करने वाले कैंडिडेट गए हैं 15 से 18,000 लगभग मान रहे हैं, 15 से 18,000 के समथिंग कैंडिडेट ने आपका फिजिकल पास कर चुके हैं। अब इस 15 से 18,000 के बीच के कैंडिडेट में सब फिजिकल पास कर चुके हैं, जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल और फीमेल, जनरल, OBC, ST, SC और EWS के कैंडिडेट हैं। अब आपकी जो आप नंबर लेके आए थे और आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से आपका फिजिकल पास के लिए आपको सबको बुलाया गया था फिजिकल के लिए, और फिजिकल पास करने के बाद फिर भी आपकी मेरिट हाई जाएगी क्योंकि आपके लगभग ढाई गुना कैंडिडेट फिजिकल पास कर चुके हैं, ठीक है, ढाई गुना तो दो गुना बोल सकते हैं आप, लगभग ढाई गुना है कैंडिडेट ने फिजिकल पास किया है। अब इसके आधार पर हम मेरिट लिस्ट बनाने जा रहे हैं आपका, पहले लिख लेते हैं हम कैटेगरी और इधर मेल की और इधर फीमेल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना
स्टेप बाय स्टेप इधर कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं, जो आप शुरुआत से ही जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये रो के कॉलम में खड़ा कर दिया है। आप भी अच्छे से आराम से देखना इस वीडियो को पूरे को। अब ले लेते हैं आपका बॉयज में लेते हैं जनरल में, जनरल में जाइए आपके लगभग, मैं लगभग बता रहा हूं आपको है ना, एक्सपेक्टेड लगभग लगभग कट ऑफ आपकी है ना, अप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते आप क्योंकि डाटा जितना भी एनालिसिस किया, जितना भी लाइव रिव्यू में फिजिकल पास कर चुके थे बच्चे, उनका लाइव भी देखा था मैंने, तो आपका जाएगा बॉयज का ईट जनरल में 74 नंबर से लगाकर 77 नंबर के बीच में आपका जाएगा। आपके यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, या बीच के नंबर भी रह सकते हैं। अब गर्ल्स का जाएगा 68 पर, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, 68 से लगाकर 70 तक। ये आपका गर्ल्स का है 68, जिसके 68 से 70 नंबर के 71 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 67 भी हो सकता है, क्योंकि गर्ल्स ने अधिकतर ने फिजिकल पास किया है, बहुत कम लड़कियाँ थी ऐसी थी जो, ज़्यादातर लड़कियाँ लॉन्ग इसमें निकली हैं, लॉन्ग जंप में। फिर ओबीसी की हम बात करते हैं, ओबीसी के 70 से 72 बॉयज में है, बढ़ भी सकता है आपके लिए, इसका 70 से 72 नहीं 74, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है। और गर्ल्स के लिए हैं 64 से लगाकर 67 के बीच में जाएगी आपके, प्लस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अकॉर्डिंग टू जो आपका एग्ज़ाम डेट था, वो कौन सी शिफ्ट थी, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में प्रोसेस में कितने क्या नंबर आपके कम हुए या अधिक हुए हैं, पेपर हार्ड, मीडियम, मॉडरेट और बहुत सरल पेपर में एससी कैंडिडेट की तरफ चलते हैं, तो 66 नंबर से लगाकर 70 नंबर जिस भी बॉयज़ और गर्ल्स के हैं, बॉयज़ के हैं ओनली फॉर बॉयज़ के हैं, तो वह बच्चा उम्मीद लगा सकता है कि उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स की हम बात करते हैं 63 नंबर से लगाकर 68 नंबर, 63 से 68 नंबर की गर्ल्स का हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओबीसी जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ हाई जाएगा, एससी जो है उनका गर्ल्स का ज़्यादा जाएगा, बॉयज का भी ज़्यादा जाएगा, पर ज़्यादातर लड़कियों ने जो एसटी, एससी और ओबीसी वाली लड़कियाँ थी उन्होंने जनरल से फॉर्म भरा है, 2017 में जैसे वैकेंसी जनरल की ज़्यादा थी तो कम नंबर पर सिलेक्शन हो गया, इसलिए ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने सबने बोला कि आप जनरल भरना, तो उसकी वजह से मेरिट हाई गई है। अब एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में आपका जाएगा 62 से लगाकर बॉयज़ का 66 नंबर के बीच में, प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकता है ऊपर नीचे। और गर्ल्स शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं 56 से लगाकर 60 तक, इसमें आप सिक्योर हो सकते हो बॉयज़ और गर्ल्स, एसटी में आप सिक्योर हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी और एससी में और जनरल में रहता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में इस बार बहुत ज़्यादा फायदा मिला बच्चों को, गर्ल्स और बॉयज़ को, पर जो अगली वाली जो भर्ती आ रही हैं उनमें इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर एक ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं हर तीसरे ने फॉर्म बना चुके हैं, इसका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना चुके हैं वो स्वर्ण आरक्षण का। ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ की मान के चलो 70 से
74 नंबर के बीच में जाएगा आपका, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। और गर्ल्स की बात करते हैं हम, 65 नंबर से लगाकर 68 नंबर के बीच में आपका गर्ल्स का जाएगा। ये गर्ल्स सिक्योर है ना, इसमें आप सिक्योर रह सकते हो ईडब्ल्यूएस में। तो आपको ये अच्छे से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका होगा, और एक बार वो मैं रिपीट कर देता हूँ, कैटेगरी मेल और फीमेल, लास्ट एमपी पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है ये। जनरल में मेल में जाएगा 74 नंबर से लगाकर 77 नंबर, एक दो नंबर आगे पीछे भी हो सकता है आपका। फीमेल में 68 से 77 नंबर लगा 68 नंबर के बीच में वाले कैंडिडेट का हो सकता है गर्ल्स में। और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं बॉयज में 70 से 74 नंबर, ओबीसी कैटेगरी फीमेल में बात करते हैं 64 से लगाकर 67 तक। एससी कैटेगरी मेल में बात करते हैं तो 66 नंबर से लगाकर 70 नंबर तक, फीमेल में बात करते हैं तो 63 नंबर से लगाकर 68 नंबर तक। एसटी कैटेगरी में मेल की बात करते हैं 62 नंबर से लगाकर 66 नंबर तक। एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करते हैं 56 नंबर से लगाकर 60 नंबर तक। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल 70 नंबर से 74 नंबर तक, फिर फीमेल की बात करते हैं 65 नंबर से 68 नंबर तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। मैंने लगभग लगभग आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। और जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या आगे पीछे, वो अपना चेस्ट वगैरह इंप्रूवमेंट कीजिए, जिम जाइए, क्योंकि चेस्ट रनिंग करने से चेस्ट उतर गया होगा, आपका शोल्डर भी उतर गए होंगे। तो आप जितना ज़्यादा बैक और शोल्डर लगाएगा और चेस्ट लगाना, तो उसकी वजह से आपका चेस्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फिजिकल करने के बावजूद भी चेस्ट उतर चुका था, क्योंकि चेस्ट मायने रखता है और एकदम अचानक नहीं बढ़ता है चेस्ट। आप भले कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी खा लो, पर थोड़ा समय लगता है आपका, 1.5-2 महीने का समय लगता है। मुझे लगता है कि जल्द ही ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो जाएगी और आपका फाइनल रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कौन सा शिफ्ट का एग्जाम था, लिखित जो रिटर्न का एग्जाम था, और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, डेट भी लिखना, आपकी कैटेगरी भी लिखना, प्लस पॉइंट आपका फिजिकल डेट भी लिखना, ठीक है, और कहाँ आपका फिजिकल था वो भी लिखना। तो उससे सब बच्चों का डाटा एकदम सामने, कमेंट कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबका सामने डाटा रहेगा, लाइव चैट देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप दूसरे एक दूसरे को कमेंट भी कर सकते हो, बस पॉजिटिव कमेंट करना। इसी के तरह आप लाइक करना, शेयर करना अपने चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।